की आजाद नगर पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक आरोपी युवक को पकड़कर उसके पास से बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को आरोपी से और भी शराब मिलने की उम्मीद है। आजाद नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध शराब लेकर हंस ट्रैवल्स के ऑफिस के सामने खड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को धर दबोचा। पकड़ाए गए युवक का नाम निक्की है, जो कि थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश है। जब्त शराब की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी से और भी शराब मिल सकती है। सर, लगातार नशे को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज कार्रवाई फिर की गई है। अब एक शराब को लेकर किस तरह की कार्रवाई की? आज शाम को मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हंस टेबल के हेड ऑफिस के सामने शांति नगर रिंग रोड पर अवैध शराब मतलब परिवहन करने हेतु खड़ा है। तो मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मैं स्टाफ के हम लोग गए, वहाँ पर देखा तो एक व्यक्ति एक सफ़ेद रंग की थैलियों में कुछ मतलब सामान रखे खड़ा था, जो पुलिस को देख करके भागने का प्रयास किया, जिसे स्टाफ के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया और उससे जो सामान उसके पास रखा था उसे तलाशी ली गई। तो उसमें 340 क्वार्टर सफ़ेद देशी शराब थी, जो मौके पर जब्त करके और गिरफ्तार किया गया और थाने पर लाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, कहां से ला रहा या देने जा रहा? उस संबंध में भी उससे पूछताछ जारी है। संभवतः ये आसपास के जिलों से अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है, तो उस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? आरोपी का नाम निप्पी उर्फ नितेश है, पिता का नाम कैलाश सिद्धू, 29 साल का और शांति नगर का रहने वाला है, और ये थाने का लिस्टेड गुंडा भी है।